तफासीर में लिखा है उलमा बैठे हैं उलमा किराम ये सारी गलां तो सुनी दी हर खतीबा का एक अंदाज बयान करने का अपना होंगे अपना अपना रंग होंगे। क़यामत का दिन होगा अल्लाह की बारगाह के अंदर एक तबका आएगा खुदा पुछती फरिश्तों को जड़े तुसा बधे दिन इनके हाथ पिछों करके अतकड़ियां लाई दी ना पिछे पिछे करके कंडी पिछे हाथ पिछे करके बधे दिन ये कौन लोग हैं कौन पुछती कस को पुछती फरिश्तों को माशाल्लाह मुझ प्यारे बच्चे ने ये कौन है खुदा को पता है कि नहीं पता है पता होना के बावजूद खुदा पुछते हैं तो उन्हें को सुनाना चाहता है फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ये बेनमाज बादशाह हैं जो नमाज नहीं पढ़ते थे नमाज न पढ़ने की पादाश में हम तेरी बारगाह के अंदर ले आए और खुदा के क़यामती वाले दिहाड़े को बोल आज भी नहीं बोल सकता देखो राती आनन फानन तुर्की में जलजला है अल्लाह अकबर सुबह 4 बजे इतने उन्होंने को पुछो तो उनकी चीखो पुकार सुनो लगे थे तो जदू असा ते आया सा तो अस तक अस की क्या हालत आसी अल्लाह ताला माफ करे ये फिर घरां विचों निकल के मसीतियां को आबाद करो इसते उर्दे परदे जरा टक टुक होंदा है ना ये खुदा वार्निंग दे रहे सीधे हो चलो इंसान दे पुत्र बन जो लो खुदा आखते न बन सो तो मैं बड़ा कंसा नमाज पढ़ो कबल इसके के आपकी नमाज पढ़ी जाए न जाओ उसके तहम्मल पर के बेडब है गिरफ्त उसकी और डर उसकी देरगिरी से के सख्त है इंतकाम उसका ए गाफल मशो बर फजले खुदा देरगीरत सख्त गीरत मरतुरा खुदा की डील पर मत जाओ देर से पकड़ता है इतना सख्त पकड़ता है छुड़ाने वाला कोई नहीं होता तो बहरहाल बादशाहों को लाया जाएगा अइयां भी क़यामती वाले दिहाड़े खुदा सारे बादशाहों को इकट्ठा करके अल्लाह ताला एक आवाज लगाएगी आवाज क्या होगी अल्लाह फरमाएंगे ओ दुनिया के बादशाहो ओ दुनिया के हुक्मरानों ओ दुनिया के डिक्टेटरों ओ दुनिया के वजीरों ओ दुनिया के सरदारों ओ दुनिया के नवाबों अल्लाह क्या बात है अल्लाह फरमाएंगे लिमन अल-मुल्क अल-यौम ओ दुनिया के बादशाह बताओ आज के दिन बादशाही किसकी है अल्लाह पाक का आवाज आएगा मशरक मगरब शिमाल जुनूब ऊपर नीचे हर तरफ से अल्लाह की आवाज आ रही है सदाएं लग रही हैं गूंज उठ रही है किस बात की लिमन अल-मुल्क अल-यौम ओ बताओ आज के दिन बादशाही और हुक्मरानी किसकी है कोई ना बोल सी चुप सारे खलते दे जितने बादशाह हो सन चुप होए दे और खुदा आगे बोलना दी ताकत है का सबे अल्लाह पाक खुद जवाब देंगे अल्लाह फरमाएंगे कल भी तुम्हें धोखा था आज भी तुम धोखे में मुबतला हो अल्लाह फरमाएंगे लिल्लाहिल लिल्लाहिल वाहिदिल कहार ओ दुनिया के बादशाह कल भी बादशाह मैं था आज भी बादशाही मेरी है सुभान अल्लाह तो उन बादशाहों को पकड़ के लाया जाएगा अल्लाह फरमाएंगे कौन है ये बादशाह हैं इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी अल्लाह पाक फरमाएंगे नमाज क्यों नहीं पढ़ी बताओ
जवाब दो। बादशाह कहेंगे बेनमाज बादशाह, अल्लाह तूने हमें बादशाह बनाया, अमूर ममलकत माने थे, कभी एक फाइल कभी दूसरी फाइल, कभी इधर दौरा कभी उधर दौरा कभी उधर दौरा, हम परेशानियों में मुब्तला थे, तो इसलिए हमें नमाज का टाइम नमाज का वक्त नहीं मिला। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला अपने पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके सामने खड़ा कर देंगे। अल्लाह फरमाएंगे ओ दुनिया के बादशाहों, तुम पाकिस्तान के बादशाह थे, हिंदुस्तान के बादशाह थे, काबुल के बादशाह थे, मिस्र के बादशाह थे, सऊदी अरेबिया के बादशाह थे, टुकड़ों टुकड़ों के बादशाह थे, इंसानों के बादशाह थे, ये देखो मेरा सुलेमान हवाओं का बादशाह, फिजाओं का बादशाह, चिरिंदों का बादशाह, परिंदों का बादशाह, जिन्नात का बादशाह, इंसानों का बादशाह, इतनी बड़ी बादशाहत के बावजूद मेरे सुलेमान ने इतना मसरूफ होने के बावजूद नमाज को नहीं छोड़ा, तुम बताओ तुमने नमाज क्यों तर्क की? अब कोई जवाब उनके पास है? नहीं होगा। अल्लाह फरमाएंगे खुजूह पगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, ओ फरिश्तों पकड़ो जकड़ो और इनको जहन्नम की आग में झोंक दो।